जो पार्ट टू में हम लोग को पढ़ना है मेटलाइजिंग प्रोसेस एंड रिक्लेमेशन वेल्डिंग, ठीक है। जो हमारा मेटलाइजिंग प्रोसेस क्या है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा एक मटेरियल होगा, ठीक है, उसको हम लोग थिन वायर के फॉर्म में ले लेंगे या पाउडर के फॉर्म में ले लेते हैं, ठीक है। उसको मेल्ट करके स्प्रे करना होता है ओवर द आवर जॉब, ठीक है। सो इसका एक पहले वीडियो देख लेते हैं, फिर इसको और अच्छे से समझ लेंगे। इसमें देख सकते हैं कि ये वर्कर है, ये स्प्रे कर रहा है हमारा जो भी मटेरियल है वो हमारे वर्क पीस के ऊपर, ठीक है। ये पीछे से इसमें देख सकते हैं कि वायर आ रहा है इसमें लगा हुआ, ठीक है। इसमें जो वायर आता है वो इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस परफॉर्म होती है। ये हमारी गन होगी, ठीक है। गन में ये हमारा मटेरियल होता है जो कि मेल्ट होके आगे बढ़ेगा, पाउडर फॉर्म में आया, पीछे से हीट आ रही है ऑक्सीडेशन की, जाके हमारी वर्कपीस पे गिरी, वर्कपीस पे जाने के बाद ये मेल्ट होके पूरी तरह से उस पर पिघल जाती है। इस तरह से बॉम्बिंग होती है और हमारी मेटल के ऊपर एक तरह से पेंटिंग हो जाती है मटेरियल की हमारी वर्कपीस के ऊपर, ठीक है। तो ये तो हमारा मेटलाइजिंग प्रोसेस, इसके बारे में और देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ मेटलाइजिंग प्रोसेस जो हम लोगों को उसमें डायग्राम में बनाना है वो देख लेते हैं, ठीक है। सो ये क्या हमारा वायर जो पीछे अभी वीडियो में होता है कोटिंग वायर है, यहाँ पे फ्लेम निकलेगी, फ्लेम कैसी होगी, न्यूट्रल, क्योंकि ब्लू कलर की फ्लेम होती है वो हमारी न्यूट्रल फ्लेम होगी, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीएसिटिलीन हमारी जो कि फ्यूल का काम करेगी वो इंसर्ट होगी, यहाँ से हमारी ड्राई कंप्रेस्ड एयर होगी जो कि हमारे जो स्प्रे होगा उसको आगे मेटल की तरफ फोर्स करेगी, ठीक है। इनके जो आपकी टॉर्च और वर्कपीस होगा उसके बीच में मिनिमम 4 इंच और मैक्सिमम 10 इंच की गैप होनी चाहिए। उसके बाद ये हमारा वर्कपीस है और ये हमारा जो पाउडर फॉर्म में स्प्रेड फॉर्म में मेटल था वो निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। सो इसका और देख लेते हैं एडवांटेजेस क्या हैं। ये हमारा 70% लेस कॉस्टली होता है फ्लेम स्प्रेइंग से, और इसके ये कुछ एडवांटेजेस लिखे हैं क्वांटम में। दिस रिक्वायर्स लेस सरफेस प्रिपरेशन देन फ्लेम स्प्रेइंग, इसमें क्या कि हम लोग जो भी सरफेस होती है उसको ज़्यादा फिनिशिंग की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इससे कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं और इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। दिस इज़ यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ पोर्टेबल वाटर टैंक्स, ब्रिजेस, लॉक्स एंड डैम गेट्स, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशन से, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट शॉर्ट नोट ऑन रिक्लेमिनेशन वेल्डिंग। इसमें क्या है रिक्लेमिनेशन वर्ड का सिंबल से मतलब भी कोई भी हमारा जो जॉब था या वर्कपीस था वो वेस्ट हो चुका है, ठीक है। उसको क्या है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल आर्क वेल्डिंग और जो भी जो हमारा बेस मटेरियल होगा पैरेंट मटेरियल होगा उसी का हमें कोटिंग करके उसको यूज़ में ला सकते हैं, जैसे हम लोगों ने हार्ड फेसिंग में देखा था वो हमारा सिंपल सा कहलाता है रिक्लेमिनेशन।